Hello students, welcome to my YouTube channel. So student, today we will discuss about the last topic about जो आपका last topic है किसके लिए chemistry in everyday life. तो student ये हमारा last topic रहेगा जो बिल्कुल छोटा सा topic था तो इसलिए मैंने इसके साथ एक question जोड़ा और साथ में MCQ जोड़े हैं. तो student सबसे पहले जो आपका रह रहा था remaining part हमने कल किया था soap क्या होते हैं. तो देखा था हमने सोप क्या होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड जो होते हैं वो सोप होते हैं. लेकिन लास्ट में उसके एक डिसएडवांटेज पता चली थी और उसकी लास्ट की डिसएडवांटेज ये थी कि जो सोप होते हैं वो हार्ड वाटर के साथ और एसिडिक वाटर के साथ झाग नहीं देते, यानी कि वर्क नहीं करते. ठीक है, तो उसी के लिए हमने यहाँ पर लिया डिटर्जेंट. ठीक है, डिटर्जेंट क्या होते हैं, ये सोपलेस सोप होते हैं स्टूडेंट्स. कैसे होते हैं, सोपलेस सोप. सोप इसलिए होते हैं क्योंकि ये भी मिसाइल्स का निर्माण करते हैं. ठीक है, आगे जो डिटर्जेंट है इनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो ये इसके थ्री पार्ट्स हैं. तो सबसे पहला है कैटाइनिक डिटर्जेंट. कैटाइनिक डिटर्जेंट होते हैं बेटा जो आपके जो कैटाइनिक डिटर्जेंट होते हैं जो पहले कैटाइनिक पढ़ रहे हैं ना, जो कैटाइनिक हाइड्रोफिलिक ग्रुप देते हैं और जो इसके बाहर होता है आपका वो एनायन प्रेजेंट रहता है. ठीक है, यहाँ पर आपका एनायन प्रेजेंट रहता है. जो क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट होते हैं अमाइन के विद क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड, जिसका एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे स्टाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम क्लोराइड और ब्रोमाइड. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3CH2O2-15 NCH3CH3CH3 और बाहर जो है बी आर आयन है ये एनायन है. यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसका जो आपका बाहर का एनायन होगा या जो पोलर नॉन पोलर सिरा वर्क करेगा वो अपोजिट होगा. ठीक है, और दूसरी बात ये हाइड्रोफिलिक ग्रुप देंगे. कैसे ग्रुप देंगे, हाइड्रोफिलिक ग्रुप देंगे. ठीक है, किसके लिए, दोस हैव कैटाइनिक हाइड्रोफिलिक ग्रुप. हाइड्रोफिलिक ग्रुप देंगे कैटाइनिक के लिए, कैटाइन के लिए हाइड्रोफिलिक ग्रुप देंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट आता है आपका एनायनिक डिटर्जेंट जो कि लार्ज पार्ट ऑफ देयर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एमाइंस के होंगे. सोडियम अल्काइल सल्फेट इसका एग्जाम्पल है C11H32 CH2OSO3 Ne. तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं हम. देखो एनायनिक डिटर्जेंट के बारे में बताऊं, एनायनिक डिटर्जेंट वो होते हैं विच हैव एनायनिक हाइड्रोफिलिक ग्रुप, जिसका हाइड्रोफिलिक ग्रुप एनायनिक होगा. ठीक है, जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप होगा वो आपका एनायनिक होगा. ठीक है, और जो दूसरा होगा वो कैसा होगा आपका, यहाँ देखो Na पॉजिटिव है और वहाँ पर क्या था Br नेगेटिव, यानी कि इसका अपोजिट होगा जो बाहर वाला आपका ग्रुप होगा. और इसमें दो देखो दो पार्ट दिखा रखे हैं यहाँ पे, सोडियम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट का भी एग्जांपल ले रखा है. यहाँ पर देखो ये कैटायन की फॉर्म में है, Na पॉजिटिव जो है ना, देखो इधर कैटायन की फॉर्म में, तो अपोजिट हो गया इसके. आगे थे न्यूट्रल और नॉन आयनिक जो डिटर्जेंट होते हैं, ये इस तरह के एस्टर होते हैं हाई मोलिकुलर मास वाले, जिनके एसिड्स होते हैं वो काफ़ी विद फैटी एसिड लॉन्ग चेन के होते हैं. कंटेन पोलर ग्रुप विच कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ईच अदर या विद वाटर, जो वाटर के साथ ये है ना, वाटर के साथ ये देखो यहाँ पर वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं. ठीक है, और इसका एग्जांपल ये है. ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आएगा व्हाट आर सोप्स एंड डिटर्जेंट. साइंथेटिक डिटर्जेंट और सोप्स के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर. तो देखो सबसे पहले सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट. सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो देखो सोप्स आर सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, जो इनकी चेन होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग फैटी एसिड. जबकि जो डिटर्जेंट होते हैं सोडियम साल्ट होते हैं लॉन्ग चेन के, लॉन्ग चेन के जो आपके हैं साल्ट होते हैं. दे कैन नॉट बी यूज इन एसिडिक सोल्यूशन. जो सोप होते हैं अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, वो एसिडिक सोल्यूशन के साथ वर्क नहीं करते, जबकि साइंथेटिक डिटर्जेंट वर्क कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है सोप्स दे कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर एज दे प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट Ca+Mg+. कल हमने सोप पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Ca and Mg इन हार्ड वाटर सोप डजेंट वर्क विद हार्ड वाटर. लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये प्रेसिपिटेट बना लें इसलिए ये वर्क करते हैं, प्रेसिपिटेट बनाते हैं. और जो सोप्स होते हैं आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, कोई पोल्यूशन नहीं फैलाते. इस पर स्पेशल क्वेश्चन आता है कि डिटर्जेंट पोल्यूशन क्यों फैलाते हैं, तो जो साइंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसलिए ये रिवर पोल्यूशन आपका जो है फैलाते हैं. तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट करते हैं हम MCQ क्वेश्चन पढ़ेंगे. देखो सबसे पहले MCQ में पहला क्वेश्चन है विच एंजाइम कन्वर्ट सुक्रोज इंटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. तो देखो पहले हमने पढ़ा था उस दिन जब इनके बारे में बात किया था ग्लूकोज फ्रक्टोज इनके बारे में. तो आप बताओ विच एंजाइम कन्वर्ट सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, कौन सा एंजाइम है, वो है
इन्वर्टेज एंजाइम। एमंग द फॉलोइंग विच आर्टिफिशियल स्वीटनर वन हैज़ द लोएस्ट स्वीटनेस वैल्यू, जिसकी लोएस्ट स्वीटनेस वैल्यू है पढ़ा था हमने, क्या है वो, सैक्रेलाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस फीवर, फीवर को कौन रिड्यूस कर सकती है, देखो इनमें से कौन सी हो सकती है, एनालैजिक्स, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, एंटीपायरेटिक होगी। एंटीसेप्टिक आपको पता है कहाँ यूज़ होती है, एनालैजिक्स भी, एंटीबायोटिक भी पड़ी थी, तो एंटीपायरेटिक है जो फीवर के लिए यूज़ होगी। 0.2% सोल्यूशन ऑफ इनॉल इज, ये स्पेशल क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने कि जो 0.2% सोल्यूशन होता है ये क्या कहलाता है आपका, ये आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। विच इज़ यूज अ ट्रैंक्वलाइजर, ये भी मैंने करवाया था, इक्विनियल इसका आंसर आएगा। अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो कौन सी है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। उसके बाद टिंचर ऑफ आयोडीन, ये भी मैंने करवाया था, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखोगे, आप खुद आंसर लिखोगे इसका। आगे बारबिट्यूरेट्स, ये भी करवाए थे मैंने, आर यूज्ड इन, जो ये है कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ट्रैंक्वलाइजर में ही होते हैं ये। टिंचर ऑफ आयोडीन इज दोबारा आ गया, ये बस उसमें परसेंटेज पूछ रखी थी, इसमें दोनों का आंसर आप खुद ही दोगे। उसके बाद क्लोरोफिनॉल, सॉरी, उसके बाद क्वेश्चन आता है आपका क्लोरम फेनिकोल इज, जो क्लोरम फेनिकोल है वो क्या है, वो एक एंटासिड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है वो क्या होते हैं, ये क्लोरो एम्फिनिकोल होते हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ आज ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगी, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या सोप किस तरह से वर्क करते हैं उनके ऊपर मैं वीडियो डालूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।